डॉक्टर हिकमत स्पीक आउट अबाउट हार्ट प्रॉब्लम। मेरा नाम डॉक्टर हिकमत है और मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं एज ए इंटरनल कार्डियोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं दिल के मुख्तलिफ अमराज के हवाले से उनके मरीजों का इलाज भी करता हूँ और पब्लिक को मैं अवेयरनेस के लिए डिफरेंट सेशन भी कर लेता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है या आज जो हमारी डिस्कशन है वो हमारी डिस्कशन ये कि जो आम पब्लिक को डिफरेंट हार्ट की बीमारियों के बारे में मालूम मिले और लोगों को क्या क्या मालूम मिलनी चाहिए। असल में जब हम हार्ट की बीमारियां देखते हैं तो जो मोस्ट कॉमन या बड़ी बड़ी बीमारियां होती है वो कुछ पैदाशी बीमारियाँ होती है जिनको हम कहते हैं हार्ट की कॉन्जनिटल हार्ट डिजीज़। ठीक है, कुछ हमारे हार्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं वॉल्स होते हैं उनको हम कहते हैं वल्वर हार्ट डिजीज़ अगर उसमें बीमारियाँ हो जाए। कुछ हार्ट के रगों की जिसको हम कहते हैं हार्ट की शरियाने उसको हम कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो अमूमन बड़े उम्र के लोगों में होती है। तो अगर हम हार्ट की बीमारियों को तकसीम करें तो जो छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें पैदाइशी बीमारियाँ जिनको हम कॉन्जनिटल हार्ट कहते हैं, दरमियानी एज में और बचपन में भी हो सकती है दिल के वॉल की बीमारियाँ उसको हम कहते हैं हार्ट की वल्वर हार्ट डिजीज़, और जो थोड़े बड़े उम्र में होती है जिसे हार्ट अटैक से हम कहते हैं उसको हम कहते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। अच्छा, अब अगर हम बहुत बड़ा टॉपिक है ये हम एक उसमें नहीं समाएंगे, लेकिन अगर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे जो दिल के अटैक होते हैं हार्ट अटैक्स जिसको हम कहते हैं उन बीमारियों के बारे में हम बताएं कि हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं और इनकी कॉमन अलामत क्या होती है। अच्छा, ये जो हार्ट अटैक्स होते हैं या जिसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं ये बेसिकली दिल के शरियानों के अंदर आसान लफ्ज़ में कहते हैं कोलेस्ट्रॉल की जो खून के अंदर रगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जमा होना होता है उसके ऊपर खून का जमना होता है। तो अगर आपकी उम्र के साथ साथ मुख्तलिफ वजूहात की वजह से दिल की रगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा होता है और दिल की रगों की तंगी आ रही होती है और ये तंगी जो है आगे जाके हार्ट अटैक का बायस बनती है। अब वो कौन सी कॉमन वजूहत हैं जिसकी वजह से दिल की रगों की ये बीमारियाँ होती हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम कहें जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि अगर बंदा है एज, अगर जैसे आपकी एज बढ़ती है तो ये चांस या रिस्क कि आपकी दिल की रगों की तंगियाँ हो जाएंगी ये ज़्यादा बढ़ता है बनस्बत कम एज के। नंबर दो, अगर आप मेल है, मेल सेक्स है, तो मेल में ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में जनरली जो है ना वो उसमें बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स या हार्मोन्स होते हैं उनको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, उनकी वजह से इनके थोड़ी सी प्रोटेक्शन होती है इस बीमारी से। थर्ड जो है ना आपका स्मोकिंग है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें ये बीमारी ज़्यादा होती है बनस्बत उन लोगों के जो स्मोकिंग नहीं करते। चौथी, अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, तो आपका ये रिस्क ज़्यादा होता है बनस्बत उन लोगों के जिनको शुगर ना हो। अगली जो कहाँ से है ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ये बीमारी जो है ना इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, खासकर अगर ये अनकंट्रोल्ड है, या कंट्रोल्ड है तो ये चांसेस बहुत कम होते हैं। अगली जो कॉमन वजह है वो ये कि फैमिलियल हार्ट डिजीज़, यानी अगर आपके ख़ानदान में बहन भाइयों में वालदेन में किसी को दिल का ये मसला हो तो आपको जो है ना ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये हमने कुछ कॉमन काजेज जो है ना जो कि और इसके अलावा दो तीन और कॉमन काजेज हैं जो हम कह सकते हैं। उसका ये है सबसे कॉमन उसमें ये है कि अगर आपके पास इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, अगर आपकी ज़िंदगी में एक्टिविटी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, इसे हम कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आप बैठे रहते हैं, आप जो है ना सारा दिन किसी मोबाइल के सामने या गेम्स के सामने बैठे रहते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इन लोगों में चांस बहुत ज़्यादा होता है बनस्पत उनके जो एक्टिव रहते हैं फिट रहते हैं तो उनमें चांसेस बहुत कम होते हैं। अगला जो आजकल हमारे दौर में है वो ये कि स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, सोशल काजेस है, तो ये जो स्ट्रेस भी इन चीज़ों को बड़ा वो करता है, स्टिमुलेट कर देता है। हमने ये कुछ वजूहात को अभी वो कर दिया कि ये कॉमन वजह होती है। अब ये है कि अगर किसी को दिल का अटैक होता है, ठीक है, तो मरीज़ को अमूमन अलामत क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि इस मरीज़ को दिल का अटैक चल रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो अलामत होती है वो ये कि मरीज़ का अमूमन पूरे सीने में एक दबाव सा, एक बोझ सा, एक जलन सा महसूस होता है। अमूमन ये जलन जो है ना पूरे सीने में होता है और ये सीने में जो सीने की हड्डी होती है उसको हम सदलम कहते हैं, उसके अमूमन दोनों साइड पे होता है और इसको कहते हैं डिफ्यूज चेस्ट पेन। अमूमन ये चेस्ट पेन यहाँ तक रहता है या कभी कभी आपके दोनों हाथों में चला जाता है। समटाइम्स ये पेन जो है ना आपका जाज में, इवन यहाँ तक नेक में और जाज में चला जाता है। साथ साथ इस दर्द के साथ कभी कभी अमूमन मरीजों को पसीने आते हैं, अगर हार्ट अटैक हो रहा होता है, सांस की फूलना का फूलना और धड़कन का ज़्यादा होना या कम होना या जो है ना इसमें इसके अलावा घबराहट का होना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना अमूमन अगर मरीज को बैठे बैठे एकदम सीने का दर्द शुरू हो जाए, पूरे सीने में आ जाए, हाथों में जा रहा है,
गले में जा रहा है और साथ में पसीने आ रहे हैं, उल्टी आ रही है या साथ में सांस फूल रही है, ये वो अलामत है। तो इसको सीरियस रहना चाहिए आम पब्लिक को कि इसका मतलब क्योंकि अटैक का मामला चल रहा है। तो इसका अगले मरले में मैं आपको बताऊं कि ज़रूरी है, सबसे अहम है कि अगर आप किसी को, किसी के वालदेन को, किसी को ख़ुद भी ये मामला शुरू हो जाए तो फ़ौरन पहला काम ये करे वो अपनी एक्टिविटी बंद कम करे, अगर चल रहा है तो बैठ जाए, क्योंकि चलेंगे तो ये मामला और ख़राब हो जाएगा। तो अगला जो मरला है वो कुछ लाइफ सेविंग मेडिकेशन तक अगर वो पहुँच सकता है या पहुँच सकती है नज़दीक तो रहेंगे। सबसे पहले उसमें जो लाइफ सेविंग ड्रग है वो है डिस्प्रिन। अगर आपके पास कोई 300 मिलीग्राम की डिस्प्रिन है तो फौरन उनको जो है ना चबा के दे दें। बाकी जो है ना सबसे इसके अलावा जो अगला मरला है कोर्स, आपस में फ़ौरन जो है ना नियर बाई हॉस्पिटल कॉल करेंगे, नियर बाई एम्बुलेंस कॉल करेंगे, जो आपको और भी लाइफ सेविंग मेडिकेशन देंगी और देंगे और आपको जो है ना कार्डिक कुछ मॉनिटर होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपकी दिल की धड़कन किसी भी टाइम बेतरतीब हो सकती है और आपको चीज़ें मैनेज कर लेंगे। इसके बाद जो अगला मरला है वो आप एक कार्डिक सेटअप जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे जहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट आपकी ईसीजी करेगा, अगर उसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती है कि किस ईसीजी के हिसाब से क्या इलाज करना चाहिए। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।